आप देख रहे हैं लोकल रिपोर्टर। खबर है बांदीपुर से। कोरोना की मार झेल रहे गरीबों के गेहूं पर राशन डीलरों का डाका। बांदीपुर शहर के गुड़ा और कटला रोड पर एक राशन डीलर ने गरीबों के गेहूं पर कैंची इस कदर चलाई कि प्रत्येक राशन लेने आए हर व्यक्ति को 4 से 5 किलो गेहूं का चूना लगाया गया, जिसे गेहूं लेने आए एक युवक ने भाप लिया और पास के ही एक लोहे की दुकान पर 2-4 लोगों के राशन का वजन कराया तो सभी के 4-5 किलो का फर्क आया, जिसके चलते लोगों ने संबंधित वार्ड के पार्षदों को बुलाया और नाराजगी जताई। पार्षदों के पहुंचते डीलर दुकान बंद कर फरार हो गया, जिसके मौके पर से ही उपखंड अधिकारी को शिकायत की गई, लेकिन उपखंड अधिकारी ने इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते लोगों में रोष व्याप्त है। ₹57.5 किलो, 500 साढ़े 400 40 किलो। क्या मामला है सर? वार्ड नंबर 4-5 नगरपालिका क्षेत्र है, उनका जो राशन डीलर है राशन सामग्री है, वो पहली बात तो प्रशासन की देखरेख और नियमों के विरुद्ध इतनी दूर पे, जो कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी है, उसमें इतनी दूर लोगों को दिया जा रहा है, उसमें हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी बेटियां हैं और हमारे बुजुर्ग परिवार है, वो इतनी दूर लेने के लिए आते हैं। उस विकट परिस्थिति में जो हक है उस हकों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 4 और 5 का जो डीलरशिप है उनको रोका गया, तो हमने अभी यहाँ के हमको शिकायत मिली कि जिनको तोला जा रहा है 50 किलो में वो लगभग 45 किलो निकल रहे हैं। ऐसे जो दाल है जो राज्य सरकार द्वारा 2 किलो दी जा रही है उसको हमने अन्य जगह तुलवाया तो 1 किलो 870 ग्राम है, जो कि पूरी तरह गरीबों के और हकों के खिलाफ है। इसकी शिकायत की आपने? अभी शिकायत हमने SDM साहब के पास, कुछ लोग गए थे, लेकिन SDM साहब का दावा था वो था कि मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पे नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद करती हूँ, और अभी मेरी खुद की व्यक्तिगत रूप से SDM साहिबा से बात हुई थी, वो बोल रही थी कि मैं अभी ऑफिस में जाके संबंध में बात करती हूँ। साथ ही हमारे साथियों ने 181 पर दर्ज कराया। अभी हम आए थे तब तक हमारे साथी डीलर साहब राशन सामग्री तोड़ रहे थे, लेकिन आते उन्होंने इसको बंद कर दिया। मैं चाहूंगा कि एक बार वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें और गरीबों का जो हक है उसको पूरी तरह दें।